नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन के तहत जानवरों की तस्करी करने का मामला सामने आया है, जिसमें कंटेनर में भैंसों को अमानवीय तरीके से भरकर चिखली के तरफ लाया जा रहा था। इस कार्रवाई में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। कलमना पुलिस स्टेशन के तहत एक ट्रक कंटेनर में बड़े ही अमानवीय तरीके से भैंसों को भरकर लाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कलमना पुलिस ने भरतनगर से चिखली चौक पर जब कंटेनर की जांच की तब उसमें 28 भैंसें भरी हुई थी। आखिर इतनी भैंसें कहां भरकर जा रही थी, इसका पता नहीं चल पाया है, जबकि इस मामले को जानवरों की तस्करी के तौर पर भी देखा जा रहा है। काल आमचे डीबीचे अमलदार अजय गर्जे, दीपक धानोरकर, सचिन दुबे, अभय साखरे हे पेट्रोलिंग करत असताना एक 6-चाकी कंटेनर हा भरतनगर चौकाकडनं चिखली चौकाकडे त्यांना दिसला। त्यात पोलिसांना पाहून तो लगेच जास्त स्पीडमध्ये घेतला त्या कंटेनरने, त्यांनी त्याला अळवलं, थांबवलं, पाहिलं तर त्यात जवळपास 28 या म्हैसवर्गीय जनावरं होते, त्यांना ताब्यात घेतलं। त्या चालकाचं नाव सलाउद्दीन अन्सारी असं होतं, त्यालाही ताब्यात घेतलं। नंतर ते एका पांजरा पोळीत ते म्हशींना वगैरे पाठवलं। कंटेनर आणि जवळपास 28 म्हशी आपल्या ताब्यात आहेत, त्यांच्यावर प्राण्यांना निर्देशाने वागवणे या अधिनियमान्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे। सदरची कारवाई हे माननीय पोलीस आयुक्त नागपूर CP सर अमितेश कुमार सर, तसंच उत्तर प्रभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त श्री अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्री नवीनचंद्र रेड्डी सर, तसेच DCP उमेश कलवाने सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले।